सब्सक्राइब कीजिए महेश टेक्निकल चैनल को, प्रेस कीजिए बेल आइकन को लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हे नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है महेश, आप देख रहे हैं महेश टेक्निकल। सो गाइस, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप किस तरह से अपने व्हाट्सएप में डार्क मोड को इनेबल कर सकते हो, वो भी बिल्कुल आसानी से। गाइस, तो बहुत आसान से आप डार्क मोड को इनेबल कर सकते हो अपने फोन में। तो यहाँ पर देख सकते हैं मेरा जो वर्जन है वो आपको दिखाई दे रहा है। तो ये वर्जन गाइस, ये बीटा वर्जन है, तो इसे मैं ओपन कर देता हूँ और यहाँ पर आपको दिखा देता हूँ मेरा जो व्हाट्सएप है वो ऑफिशियल व्हाट्सएप है और इसमें कोई भी डार्क मोड आपको यहाँ पर थीम का ऑप्शन नहीं देखने को मिलता है। तो इसे हम कैसे एनेबल करेंगे वही मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो आप देख सकते हैं मेरा वर्जन जो ये है वही मेरा गूगल प्ले पे भी सेम वर्जन का यहाँ पर व्हाट्सएप है। तो ये ऑफिशियल व्हाट्सएप है, यहाँ पर कोई मैं मोड वगैरह यूज़ नहीं कर रहा हूँ। तो चलिए बताता हूँ कि किस तरह से आपको जो है एनेबल करना है। तो सबसे पहले आपका फ़ोन जो है वो रूटेड होना चाहिए, सेकेंड चीज़ आपका जो व्हाट्सएप है वो ऑफिशियल व्हाट्सएप होना चाहिए और वो बीटा वर्जन का होना चाहिए लेटेस्ट। ठीक है गाइस, तो उसके बारे में बाद में बताऊंगा, लेकिन आप देख सकते हैं मेरा जो फ़ोन है वो रूटेड है। उसके बाद आपके सामने एक एप्लीकेशन चाहिए जो है फाइल एक्सप्लोरर की। तो ये मैं यहाँ पर यूज़ कर रहा हूँ सॉलिड एक्सप्लोरर। तो आप बहुत सारे फाइल एक्सप्लोरर आते हैं जिसमें रूट सपोर्ट होता है, रूट फाइल मैनेजर होता है, वो तो वो आप यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर जाकर रूट एक्सेस जो है वो एनेबल कर देते हैं। तो यहाँ पर बाय डिफ़ॉल्ट पहले एनेबल नहीं होता है, तो आपको एनेबल करना पड़ता है। तो यहाँ पर देख सकते हैं रूट एक्सेस को हम यहाँ पर एनेबल कर चुके हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप एनेबल कर लीजिएगा, उसके बाद मैजिस्क आपका रूट परमिशन मांगेगा तो आपको दे देना है। उसके बाद देखिए यहाँ पर रूट डायरेक्टरी आ गई। उसके बाद आपको जाना है डेटा फोल्डर में, फिर से एक बार जाना है डेटा फोल्डर में। उसके बाद यहाँ पर आपको मिलेगा com.whatsapp, तो आपको उसको ओपन कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर आपको शेयर प्रेफरेंसेस दिखेगा, तो यहाँ पर देखिए ये वाला फोल्डर, तो इसे आपको ओपन कर लेना है। इसके बाद आपको जाना है मेरी वेबसाइट पर, वहाँ पर आपको मिल जाएगा एक कोड, तो वो हम कोड पेस्ट करेंगे और व्हाट्सएप में डार्क मोड का इनेबल करेंगे। तो यहाँ पर देखिए ये मेरी आर्टिकल है, तो इस आर्टिकल में मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें बताई हैं। तो आप यहाँ पर रीड करके भी अपने व्हाट्सएप में डार्क मोड को इनेबल कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपको ब्लैक में ये कोड यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। तो इस कोड को आपको कॉपी कर लेना है प्रॉपर तरीके से। ठीक है, तो यहाँ पर कोई भी साइन मिस नहीं होनी चाहिए, जो भी जैसा है वैसे ही आपको पूरा का पूरा कॉपी करना है। इसके बाद यहाँ पर एक फाइल आपको फाइंड करनी है, वो है com.whatsapp.preferences.xml। तो ये वाली देखिए फाइल, तो इसको आपको ओपन करना है। तो चलिए हम इसे ओपन करते हैं यहाँ से और टेक्स्ट एडिटर में इसे ओपन कर लीजिएगा। ओपन करने के बाद यहाँ पर आपको देखिए बहुत सारी कोडिंग आ जाएगी, तो डरने की कोई बात नहीं है, मैं आपको बताऊंगा कैसे क्या करना है। तो यहाँ पर देखिए मैप जो दिख रहा है एंड कोड, उसके ऊपर आपको इसको पेस्ट करना है। तो आप यहाँ पर एक एंटर करके ये कोड को मैं यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ। तो आप ध्यान से देख लीजिए मैंने कहाँ पर पेस्ट किया है, उसी तरीके से आपको भी पेस्ट करना है। तो जैसे ही आप पेस्ट कर देंगे प्रॉपर तरीके से, ऊपर आपको सेव का बटन मिल जाएगा, उसे आप सेव कर लीजिए। यहाँ पर सेव हो चुका है। इसके बाद आपको क्या करना है, सभी टैब्स को जो है क्लोज कर देना है। अगर आपने व्हाट्सएप भी ओपन करके रखा है रिसेंट में, तो उसे भी क्लोज कर दीजिए। ठीक है, उसके बाद आपको क्या करना है, व्हाट्सएप का फोर्स क्लोज कर देना है। तो यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ, ऐप में जाएंगे, यहाँ पर देखिए फोर्स क्लोज का ऑप्शन यहाँ पर एनेबल नहीं आ रहा है। तो आपको क्या करना है, क्लियर डेटा पे क्लिक करके क्लियर कैचे करना है गाइस। ठीक है, सिर्फ क्लियर कैचे करना है और क्लियर डेटा नहीं करना है, सिर्फ क्लियर कैचे करना है। ओके, इसके बाद आपको क्या करना है, सब रिसेंट से क्लियर करना है। उसके बाद व्हाट्सएप को ओपन करना है। जैसे आप व्हाट्सएप को ओपन करेंगे, आपका अभी तक लाइट मोड में है, तो यहाँ पर सेटिंग में जाएंगे हम और यहाँ पर देखिए थीम का जो ऑप्शन है वो आ जाएगा। इसको आपको क्लिक करना है, डार्क मोड पर क्लिक करना है और ओके कर देना है। और आपका जो व्हाट्सएप है वो डार्क मोड में हो गया है, अब आप इसे डार्क मोड में यूज़ कर सकते हैं। तो बहुत ही सिंपल ट्रिक है, बस गाइस इसमें रूट का यूज़ होता है। अगर आपका फ़ोन रूटेड नहीं है तो भी आपको मैं ट्रिक मेरी वेबसाइट पर डाल दूंगा, तो आप वहां से भी रीड कर लेना। तो आप देख सकते हैं मेरा जो व्हाट्सएप है वो ऑफिशियल व्हाट्सएप ही है, हमने यहाँ पर कोई भी मोडेड एप्लीकेशन को इंस्टॉल नहीं किया है। ठीक है गाइस, तो यहाँ पर मैं आपको और एक चीज़ बता देता हूँ कि आपका जो व्हाट्सएप है वो बीटा वर्जन का होना चाहिए। आप देख सकते हैं यहाँ पर लिखा है बीटा, तो ये कैसे आएगा, अगर आपने बीटा वर्जन यूज़ नहीं किया है तो मैं आपको बताता हूँ कि कैसे आपको ज्वाइन करना है बीटा प्रोग्राम को। तो यहाँ पर मेरी वेबसाइट पर वो भी आपको लिंक मिल जाएगा। तो यहाँ पर देखिए ज्वाइन व्हाट्सएप बीटा प्रोग्राम, तो आपको इसको सिंपली इस लिंक को ओपन करना है। देखिए मैंने ऑलरेडी ज्वाइन किया है, इसलिए मुझे लीव बटन आएगा नीचे की तरफ, देख सकते हैं लीव बटन। अगर आपने ज्वाइन नहीं किया है तो आपको ज्वाइन बटन आएगा, तो आप ज्वाइन कर लेना। उसके बाद आपको प्ले स्टोर में व्हाट्सएप का अपडेट आ जाएगा,
बीटा वर्जन का, तो आप उसे अपडेट कर लेना और आपके फ़ोन में भी बीटा वर्जन इंस्टॉल हो जाएगा। बहुत सिंपल ट्रिक है गाइस, इसमें कोई झोल झपाटा नहीं है, आप डायरेक्टली अपडेट कर लेना अपने बीटा वर्जन में, उसके बाद ये ट्रिक 101% काम करेगी हर एक फ़ोन पर, हर एक डिवाइस पर। ठीक है गाइस, तो ये आर्टिकल रीड कर लेना, अगर आपको कोई भी दिक्कत आती है तो ये आर्टिकल से आपको हेल्प हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पर स्क्रीन शॉट के साथ मैंने यहाँ पर सभी चीज़ें बताई हुई है। ठीक है, तो बस गाइस इस वीडियो में बस इतना ही है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, जिसका नाम है महेश टेक्निकल। जिसका फ़ोन रूटेड नहीं है उनके लिए भी आर्टिकल मिल जाएगा।